प्यारे बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करो। ये बुलेट कहता है 2 ग्राम का, उस पर चार्ज ऑलरेडी 2 माइक्रोकुलाम है। चलो एक बुलेट है, ये कुछ इस टाइप का बुलेट है, क्या रॉकेट बन गया क्या? चलो कोई बात नहीं, बुलेट है कंसीडर कर ली, ये बुलेट है। अब इसका मास 2 ग्राम है, 2 × 10⁻³ आ जाएगा मास, दिस इज द मास। अब ये थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू इज इक्वल टू जीरो है, हैविंग चार्ज, इस बुलेट पे कुछ चार्ज है, चलो चार्ज दे दो। तो इस बुलेट पे हमने जो चार्ज दे दिया उसकी जो वैल्यू है वो 2 माइक्रोकुलाम है। तो 2 माइक्रोकुलाम 2 × 10⁻⁶ कुलाम बराबर है। तो ये अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो इनिशियली जीरो से रखोगे तो ये इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगने की वजह से ये एक्सेलरेट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज है यार इसके पास मास है, तो ये फोर्स लगने से एक्सेलरेट हो जाएगा। तो एक्सेलरेट हो जाएगा रेस्ट से, और कुछ टाइम इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। चलो मान लो ये इधर की डायरेक्शन में मूव किया, और यू जीरो से इसकी स्पीड, इस बुलेट की जो स्पीड है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब देखो तो जो स्पीड चेंज हो गई इसका मतलब ये हुआ कि इस पे वर्क डन हुआ है। तो हमें निकालना क्या है कि उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालना जिस फील्ड में ये रखा गया है, जो इस पे लगाया गया है। तो आसान है, देखो अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई यार, काइनेटिक एनर्जी तो ऐसे आएगी नहीं, कोई ना कोई तो वर्क करेगा यार। तो कौन वर्क कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होगी? प्लस से माइनस, इस डायरेक्शन में होगी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड या इस पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? क्यू डेल्टा वी। और ये जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिख रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? वो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, डेल्टा वी। तो एम वी स्क्वायर अपॉन 2 क्यू, दिस इज द वर्क डन ऑन दिस बुलेट व्हेन इट अक्वायर द वेलोसिटी बी। जब इसको वेलोसिटी बी मिला तो इतना वर्क डन हो चुका है। तो अब सारी वैल्यू ले जाके इसमें रख दो, जो डेटा दिया हुआ है वो। अब तो बच्चों वाला सवाल है, मास को 2 × 10⁻³ ये तो सभी कैलकुलेट कर लेते हैं, वेलोसिटी 10 है तो ये 100 आ जाएगा, और 2 पहले से है, चार्ज दिया हुआ है 2 × 10⁻⁶, तो इसको काट कूट लो। तो 2 × 2 को और 10⁻³ की 10⁻³, तो ये आ जाएगा 10⁻³ करोगे तो ये 3 जीरो बच गया जो कि ऊपर चला गया, 6 जीरो था, तो ये 5, मतलब ये आ जाएगा 50 और मल्टीप्लाइड बाई 1000 वर्क पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये आ जाएगा 50 किलो वोल्ट। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल डिफरेंस है 50 किलो वोल्ट, दैट इज बी ऑप्शन सही है, बराबर है। जल्दी जल्दी करो इसको कैलकुलेट करो इलेक्ट्रिक